और मेरे चैनल का नाम स्मार्ट परदेसी व्लॉग है। एक्चुअली मैं काफ़ी अर्सा थोड़ा मसरूफ़ था, इसलिए रेगुलर वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियोस बनाया करूँगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको मज़ीद हेल्प हो सके। कुछ दोस्तों को कुछ मुश्किल पेश आ रही होंगी सॉफ्टवेयर के हवाले से, और मुख्तलिफ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जो है वो अवेल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर, आज का जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास ये एंटीवायरस है अवेरा प्रोफेशनल एडिशन। ये फ्री वर्जन अवेलेबल होता है, लेकिन ये प्रोफेशनल वर्जन है और इसको आप यूँ इसको जस्ट आपने ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इसको फॉलोअप करके और फाइल को इस तरह डाउनलोड कर लेना। और मेरे पास इंटरनेट बहुत फास्ट है यहाँ पे यूएई में, मैं बिलोंग करता हूँ यूएई से। और ठीक है, ये फाइल होगी और ये फाइल ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अगेन डाउनलोड कर लेता हूँ, आपने इसको भी इसी तरह ही डाउनलोड कर लेना। ये बहुत छोटी सी फाइल है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, ये फाइलें डाउनलोड और अच्छा अभी इधर मेरे पास कंट्रोल पैनल में मैंने चेक किया, ये ऑलरेडी मेरे पास सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है, लेकिन वो फ्री वर्जन है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा फर्स्ट। ये देखिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ और इसको मैं कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर दूँगा। अभी रिसेंटली मैंने विंडोज़ को भी अपडेट दी है और विंडोज़ को मैंने अपडेट दी है, मैंने लेटेस्ट अपडेट दी है मैंने। अभी मेरे पास न्यू विंडो है, ये विंडोज़ 10 होम एडिशन, तो आप लोगों के लिए स्पेशली फिर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी इस प्रोफेशनल एडिशन को फ्री अवेल कर सकते हैं, जैसे आपने जहाँ डाउनलोड करना है। जो लिंक्स मैंने इसमें दिया हुआ ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक्स दे दूँगा, यहाँ से अपने फाइल को ऑलरेडी मैंने बताया आप वो कैसे डाउनलोड करते हैं। अभी इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, अच्छा फ्रेंड्स समटाइम ये सेटअप जब सक्सेसफुली हो जाता है तो ये मोस्टली ये रिस्टार्ट करने को कहता है, देन आफ्टर रिस्टार्ट फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा फ्रेंड्स रिस्टार्ट कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद फाइल्स मेरे पास आ चुकी हैं, मैं उनको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी दफ़ा मैंने इसको डाउनलोड किया है इसलिए काफ़ी फाइल्स हो गई हैं। अभी फाइल्स को आपने एग्जिट कर लेना फौरन से, और आपने इसकी लाइसेंस की फाइल को भी ऐसे ही कन्वर्ट करके उसके बाद आपने इसको रन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगा। बस आपके आपने इसकी ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए, देन आई एम श्योर कि समटाइम को कभी कभी कोई इशू आपको तंग करेगा, देन आप कमेंट्स बिलो में मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ऑल दो ये एक सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, आपने इसको रिकमेंडेड में ही
फॉलो अप करना है और उसके बाद इस तरह इसको इंस्टॉल कर देना और इस स्टेप पर आकर आपने ये यहाँ पे लाइसेंस फाइल को कर देना और जैसे ही ये आपको फॉलो अप करने के लिए बोलेगा आपने इसको यहाँ से ये फाइल की दे देनी है ये वाली फाइल की आप इसको दे दें और देखें वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चला गया। अच्छा ये फॉलो अप कर रहा है, इंस्टॉलेशन कंपोनेंट्स पर पहुंच गया। आपने ऊपर 2020 वाली की इसको देनी है ताकि ये लॉन्ग से लॉन्ग ड्यूरेशन हो। समटाइम विंडोज़ 4 ईयर्स चल जाती है, समटाइम विंडोज़ बहुत लॉन्ग चल जाती है। अभी इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई, ये वो मैंने साथ में खोल के रखा हुआ है। और एक और अच्छा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वीडियो स्टूडियो रिकॉर्डर है। इसके बारे में मैं आपको इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ये भी बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्डर है, अच्छे से वर्किंग करता है। बस ये अभी वेलकम नोट आएगा, ब्राउज़र मेरा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, साथ में उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। की फाइल मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, आई होप कि वो फुली वर्किंग करेगी। लास्ट टाइम तो मैंने ऐसे ही किया था और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा आफ्टर रीस्टार्ट इसका जो की है वो मज़ीद मैंने अपडेट दिया यहाँ से अपने सिस्टम में जाके, सॉरी वीडियोस में जाके, कंप्रेस्ड में जाके आपने इसमें इसकी लाइसेंस वाली फाइल में जाना है, देन आपने इसको भी एक दफ़ा रन करना है, इस फाइल को भी, इसको भी आप इसको एक दफ़ा रन करके राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। देन उसके बाद आप इसको, तो आपने ये जो लाइसेंस की है जिसमें 2020 लिखा हुआ है, इसको अपने साथ में ही अटैच कर देना ताकि ये इसको पिक कर ले। एंड देन उसके बाद इसके ये रन एड एडमिनिस्ट्रेशन चला के उसके बाद इसको भी क्लिक करेंगे तो फिर वो ये स्टार्टिंग सेशन पर आ जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे इसकी एक ये इसकी डिटेल में ये आ रहा है कि ये सेशन से गुजरेगा ये लाजमी, ठीक है। चेकिंग न्यू फाइल्स कहेगा, स्टॉपिंग सर्विसेज कहेगा, देन स्टार्टिंग सर्विसेज एंड देन थोड़ी देर के बाद फिर द लाइसेंस फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। तो ये अभी हो जाए, देन मैं फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अगर कुछ लोगों को इसके बारे में प्रॉब्लम हो, इसको जैसे सम टाइम ये यहाँ पर रुक जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी ये रीडमी फाइल है, इसमें आपने देखना है ये इसकी इंस्टॉलेशन होस्ट पैच एज एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने फॉलो अप करना है। और दूसरा, अगर आपको और प्रॉब्लम आए इस तरह की, तो आपने ये देखें, ये कह रहा है कि डाउनलोड में जाके सिस्टम 32 में जाके ड्राइवर्स में जाना, देन इसमें आपने होस्ट फाइल के नाम से इसको सर्च करना है, ठीक है। अभी इसमें मैंने इसमें होस्ट में सर्च किया तो ये जो फर्स्ट फाइल आ रही है इसको आपने ओपन विद ओपन करना है और ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है।
देन आप इसकी रीड मी की जो फाइल है उसको आप अगर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये देखें ये मेंशन यहाँ पे कर रहा है एंड पे के नोटपैड एंड डिलीट द स्ट्रिंग्स, ठीक है। लास्ट में ये जो तीन लाइनें हैं इसकी ये आपने डिलीट कर देनी है, ठीक है। देन सेव अप्लाई, सेव अप्लाई अपडेट्स एंड रीसेट द होस्ट फाइल, ठीक है। आपने इसको सेव कर लेना, सेव कर दिया। प्रोग्राम फाइल में जाना और फिर आपने सी में जाके विंडोज में जाना, सिस्टम 32 में जाके ड्राइवर्स में जाना और यहीं पर ही आप इसको सेव कर दें, ठीक है, इसी फाइल्स को, ठीक है। सेव करने के बाद आप ठीक है आप इसको बंद कर दें सब कुछ, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा वापस रिस्टार्ट होकर देन सेम आपने ऐसे ही करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं आप वो फॉलो करेंगे देन रजिस्टर कर कर आएंगे। उसके बाद आप ये देखिए इसमें ये बोल रहा है कि एक्टिवेटेड हो चुका है ये, और ये पर्सन नेम कुछ आ रहा है और देन उसके बाद सीरियल नंबर आ रहा है और ये वैलिड है 17/9/2020 तक। सो नाउ ईयर एक रजिस्टर्ड एंटीवायरस हो गया प्रोफेशनल एडिशन, वैलिडिटी इसकी 2020 तक है। ये चेक करने के लिए जब आपका इंस्टॉल हो जाए सब कुछ और की वगैरह हो जाए तो अगर लेट सपोज कोई इशू भी आता है तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके लाइसेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आके आप यहाँ पे लाइसेंस फाइल के सपोर्टिंग इसको यहाँ पे क्लिक करके, मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसलिए बार बार नहीं करूँगा, आप इंस्टॉल एवरा एंटीवायरस प्रोफेशनल पर क्लिक करके सेलेक्ट यहाँ से फाइल देकर इसको वो वाली फाइल आप दे के तो देन थोड़ा सा टाइम लेगा और अपडेट कर देगा ये इसको, ठीक है। मैं अगर इसको भी चेक करूँगा तो ये देखें मेरी ये प्रोडक्ट वर्जन आ रहा है इसमें, ठीक है। वायरस डेफिनेशन जो भी रिसेंटली अभी इसने अपडेट की है और लाइसेंस्ड ये कंसर्न पर्सन का नाम आ रहा है जिसने की प्रोवाइड की है और लाइसेंस वैलिड है 2020 तक, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल एडिशन आपका मतलब इसमें अपडेट हो गया। तो गाइस आज के इस वीडियोस का यही मकसद था कि आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जाए और अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम डिटेल फॉलो अप कर दूंगा और मेरी कुछ मज़ीद वीडियोस के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद जो है एक और वीडियो भी अपलोड करूँगा, उसकी भी डिटेल्स इसमें डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत इशू लोगों को फेस करना पड़ता है, 2019 वर्जन मैं इंशाल्लाह अपडेट करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 लेटेस्ट वन, वो भी इंशाल्लाह रजिस्टर्ड होगा और फुली वर्किंग करेगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल दो वीडियो मैंने बनाई थी उस हवाले से अपडेट करना चाहूँगा आपको। फर्स्ट वीडियो थी ये सॉफ्टवेयर के हवाले से, एवरा एंटीवायरस प्रोफेशनल एडिशन है ये इसका, और सिंपली जस्ट मैंने मैथड जो है वो बताया था उसमें प्रीवियस वीडियोस में। मैं वीडियोस अपडेट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह सब दे दूंगा और डबल क्लिक आप करेंगे एवरा पे और उसके बाद एंटीवायरस को मैंने अपडेट दिया था, इस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख लें यहाँ पे प्रॉपर मेरा अकाउंट भी आ रहा है। आप क्वेश्चन मार्क को क्लिक करके अबाउट एवरा
प्रोफेशनल एडिशन इसका है 15 वर्जन, इसको मैंने रजिस्टर्ड किया था लाइसेंस की वगैरह दे के, और ये 2020 तक ये जो है वो लाइसेंस इसको मिल गया है इस सॉफ्टवेयर को, ये फुल प्रोफेशनल एडिशन होकर चलेगा ये मेरे इस कंप्यूटर में लैपटॉप में। और दूसरा सॉफ्टवेयर, दूसरा जो वीडियो मैंने बनाई थी वो रिगार्डिंग थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल एडिशन है 2019, ये लेटेस्ट वन है, इसको भी मैंने एक्टिवेट किया और ये एक्टिवेट हो गया। वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, और तमाम डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अपनी और भी जो नई न्यू न्यू वीडियो मैंने अपलोड की हैं रिसेंट टाइम में उनके बारे में मैं आपको लिंक्स वगैरह दे दूंगा। आप प्लीज़ फॉलो करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी लाजमी शेयर करें, ये मेरे चैनल का नाम है। और आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए या कोई वीडियो आप कहते हैं कि बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। ओके, थैंक यू बाइस। और दूसरी बात, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये इसका लिंक, अल्टरनेट लिंक्स भी मैं दे दूंगा, होपफुली कि कुछ ना कोई आपके लिए ज़रूर वर्क करेगा। सेम इसी तरह मैं दूसरे एवरा के लिए भी दे दूंगा, बहुत सारे लिंक्स आप उनको इजीली ओपन करके और फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप जो है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज़।